हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एंड प्रभा क्लासेस आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है देखिए मैंने कई सारे लेक्चर्स बनाए हुए हैं यूट्यूब पे डाले हुए हैं बट मैंने कभी अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया तो माय नेम इज़ प्रीति गौतम आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर आई हैव डन बीए एंड एम ए इंग्लिश एम ए पोलिटिकल साइंस एल एल बी एल एल एम एंड आई एम यूजीसी ने क्वालिफाइड एन लॉ सब्जेक्ट तो लेट स्टार्ट जैसे कि स्लाइड में शुरू हो गया है कि आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन राइट से रिलेटेड है मोस्ट प्रेज एंड ब्यूटिफुल वर्ड ऑफ एनी इंटरनेशनल एग्रीमेंट वॉट दैट ऑल ह्यूमन बींग्स फ्री एंड इक्वल एंड डिग्निटी एंड राइट कि जितने भी मानव प्राणी हैं वो स्वतंत्र जन्मे हैं और वे सभी इक्वल हैं किस में डिग्निटी में एंड राइट्स में यानी कि जो उनकी डिग्निटी है गरिमा है और जो उनके राइट्स हैं वो सभी के समान हैं देखिए अगर हम बात करें ह्यूमन राइट यानी कि मानव अधिकार की तो ये होते क्या हैं तो बोर्डली स्पीकिंग ह्यूमन राइट में भी रिगार्ड्स एज दो फंडामेंटल एंड इन एलिनेबल्स राइट विच आर इनिशियल फॉर लाइफ एज ह्यूमन बींग यानी कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो ऐसे मौलिक और अहस्तांतरणीय यानी कि ऐसे राइट हैं जिनको हस्तांतरण नहीं किया जा सकता यानी कि मौलिक और अहस्तांतरणीय अधिकार हैं जो कि इनिशियल्स हैं वो लाइफ जीवन के लिए आवश्यक हैं प्रारंभिक तौर पे अगर कहा जाए तो मुख्य तौर पे अगर कहा जाए तो किसके लिए एज अ ह्यूमन बीइंग्स एक मानव प्राणी होने के नाते ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स व्हिच आर पजस्स्ड बाय एवरी ह्यूमन बीइंग जो कि एवरी ह्यूमन बीइंग के तौर

किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते कोई हमसे छीन नहीं सकता है और जिनके बिना एक व्यक्ति का जीवन निरर्थक माना जाता है वेस्ट माना जाता है, और ह्यूमन राइट किसी व्यक्ति के जन्म से ही उसमें अंतर्निहित हो जाते हैं उसमें समाहित हो जाते हैं जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है उसके जन्म के साथ ही उसके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो इन्वॉल्व

उसके बिना हमारा जो लाइफ है वो बहुत ही मेजरेबल हो जाता है ह्यूमन राइट्स आर समटाइम्स काल फंडामेंटल राइट्स कभी कभी जो ह्यूमन राइट्स हैं उन्हें फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है और बेसिक राइट्स भी कहा जाता है और आपके नेचुरल राइट्स भी कहा जाता है एज फंडामेंटल और बेसिक राइट अगर हम फंडामेंटल और बेसिक राइट की बात करें तो दे आर राइट ये वो अधिकार होते हैं राइट right होते हैं विच कैन नॉट रेदर मस्ट नॉट बी टेकन अवे बाई एनी लेजिस्लेचर जो कि किसी भी लेजिस्लेचर के थ्रू या किसी भी एक्ट ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट के किसी भी एक्ट के थ्रू हमसे जो छीने नहीं जा सकते टेकन अवे नॉट टेकन अवे जो हमसे नहीं लिए जा सकते एंडिट्यूशन में दर्शाया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण तो भूमिका निभाई है उसने क्रिएट किया ए ग्लोबल स्ट्रक्चर फॉर प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट जो की बेस्ड था लार्जली ऑन इट्स चार्टर जो चार्टर है यूनाइटेड नेशन का उसमें मोस्ट ऑफ प्रोविजन डील करते हैं ह्यूमन राइट right को प्रोटेक्ट करने के वहीं और जो नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन है उसके थ्रू उसने ह्यूमन राइट right को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया है अपनी लीगल बाइंडिंग ट्रीटीज के थ्रू प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया है एंड वेरियस एक्टिविटीज़ और अपनी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे वो वेरियस एक्टिविटीज़ करता है अन्य जो एक्ट करता है उसके थ्रू उसने ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट किया है थ्रू आउट द वर्ल्ड किसमें समस्त विश्व में अब अगर हम ह्यूमन राइट की बात करें या अदर जो प्रयोजन है पर्पस है यूएन का यूनाइटेड नेशन का उसको फुलफिल करने के लिए उसे अचीव करने के लिए यूएन जो एक्ट करता है वो करता है इन सिक्स ऑर्गन्स के थ्रू जिसमें जनरल असेंबली जैसे महासभा कहा जाता है सिक्योरिटी काउंसिल जिसे सुरक्षा परिषद कहा जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसे आर्थिक और सामाजिक परिषद कहा जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतरराष्ट्रीय दंड न्यायालय उसके बाद सेक्रेट्रिएट यानी कि सचिवालय एंड टिप काउंसिल और न्यासिता परिषद इनके थ्रू ही जो यूनाइटेड नेशन है वो एक्ट करता है ह्यूमन राइट right की अगर बात करें तो जनरल असेंबली और सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है अगर बात करें तो मेन जो uh, सबसे ज़्यादा रोल है वो जनरल असेंबली का है उसे रिलेटेड लॉ मेकिंग की बात अगर हम करें तो जो यूएन है उसने जनरल असेंबली को काफ़ी सारे ऐसे right राइट प्रोवाइड कराए हैं और स्पेशली है कि वो ह्यूमन राइट right को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड हम हमारा यूनाइटेड नेशंस इसमें जो मैंने अभी ऑर्गेंस आपको बताए हैं ये किस तरह से काम करते हैं देखिए किसी भी कोई भी अगर गवर्नमेंट होती है चाहे वो स्टेट लेवल की हो या इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल सी बात है कि जो यूनाइटेड नेशंस हैं एक एज लाइक अ गवर्नमेंट फॉर्म में अगर हम कहें तो वो एक्ट करता है इंटरनेशनल गवर्नमेंट हालांकि इंटरनेशनल गवर्नमेंट इज नॉट अ राइट वर्ड बट अगर समझने के पर्पज से अगर हम बात करें तो, तो देखिए क्योंकि कोई भी अगर गवर्नमेंट होती है तो उसके uh, जो किसके थ्रू वो एक्ट करती है आपके लेजिस्लेटिव विंग्स के थ्रू करती है एग्जीक्यूटिव विंग्स के थ्रू करती है जुडिशियल विंग्स के थ्रू करती है ठीक है और बाकी कोऑर्डिनेशन तो वहीं पर अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन की तो यूनाइटेड नेशन भी ऐसे ही एक्ट करता है उसका जो लेजिस्लेटिव विंग है यानी कि जो विधाई जो कार्य है यूएन का वो करती है जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल वहीं एग्जीक्यूटिव विंग्स की अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव विंग्स के तौर पर कौन कार्य करता है यूएन सेक्रेटरीट यानी कि जो सचिवालय होता है उसके बाद अगर जुडिशियल विंग्स की बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जुडिशियल विंग्स के तौर पर काम करता है एंड कोऑर्डिनेटिंग विंग्स अगर कोऑर्डिनेटर उनका मतलब उनकी सहायता करने के लिए अगर और कोई विंग्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल आपका जो है ये हेल्प करता है तो आज का लेक्चर यहीं पे हम एंड करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब